वेलकम टू अवर चैनल इंजीनियर चॉइस ट्यूटर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, तो स्ट्रिंग बिल्डर इज एग्जैक्टली सेम एज स्ट्रिंग बफर एक्सेप्ट द फॉलोइंग डिफरेंसेस। एंड व्हाट आर दैट डिफरेंसेस? सो पहला डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग बफर में जितने भी मेथड प्रेजेंट होते हैं वो सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। ओके, और स्ट्रिंग बिल्डर में जितने भी मेथड प्रेजेंट होते हैं वो सारे नॉन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज स्ट्रिंग बफर में देखिए, एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड इज अलाउड टू ऑपरेट ऑन द स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, हेंस स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट इज थ्रेड सेफ। ओके, ये क्या होता है, थ्रेड सेफ होता है। वेयर एज इन स्ट्रिंग बिल्डर एट अ टाइम मल्टीपल थ्रेड्स आर अलाउड टू ऑपरेट साइमल्टेनियसली on the string builder object, so it is not thread safe. Okay, इतना clear है? Next point देखिए, अब यहां पे क्या है कि one thread at a time operate हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, it increases waiting time of the thread and hence Relatively performance is low. और यहाँ पे मल्टीपल threads एक बार में ऑपरेट हो रहे हैं, ओके, स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट पे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, threads are not required to wait, hence relatively performance is high, performance high मिलेगी। And the last difference is string buffer introduced in 1.0 version and string builder is introduced in 1.5 version of JDK. ओके, so this is the difference between the string buffer and string builder. So thanks for watching this video. Please like the video and subscribe the YouTube channel.